अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? भाई सबसे पहले तो आप लोग ये बताओ कि भाई गर्मी कैसी है? मुल्तान में तो भाई बड़ा हाई टेम्परेचर चल रहा है इस टाइम, गर्मी बहुत ज़्यादा है। आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं और भाई वहाँ पर गर्मी की क्या पोजीशन है, कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ज़रूर बता रहा है। बट आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये वीडियो आप लोगों की तरफ से मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो होती है। आप लोगों की तरफ से काफ़ी ज़रा कमेंट आते हैं कि रेहान भाई, जो पाकिस्तान में ऑलरेडी स्मार्टफोन लॉन्च हैं, इनके ऊपर प्राइस ड्रॉप कब आ रहा है? तो लो जी भाई, प्राइस ड्रॉप आ चुका है जो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। काफ़ी सारे स्मार्टफोन हैं जो कि इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिनके ऊपर प्राइस ड्रॉप आया है रिसेंटली। आई नो ये वीडियो मैं थोड़ी सी लेट बना रहा हूँ क्योंकि पिछले 10 दिन में सिर्फ 1 से 2 स्मार्टफोन के ऊपर प्राइस ड्रॉप आया, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। मैंने कहा यार थोड़े से और स्मार्टफोन के ऊपर प्राइस ड्रॉप आ जाए फिर मैं जो है वो आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करूंगा, ताकि काफ़ी सारे स्मार्टफोन जो है वो इकट्ठे हो जाए, देन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई किन किन स्मार्टफोन के ऊपर प्राइस ड्रॉप आया है। बट स्टार्ट करने से पहले भाई, मेरा नाम है रेहान, मैं इस तरह का इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाता रहता हूं, तो इसी बात पर आप लोग वीडियो को लाइक करके मोटिवेट कर सकते हैं। आप लोगों का एक लाइक मुझे काफी सारा मोटिवेट करता है, शेयर भी करना है, एक अच्छा सा कमेंट भी करना है। एंड फर्स्ट टाइम मुझे चैनल के ऊपर देख रहे हो तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा क्योंकि इंटरेस्टिंग कंटेंट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। एंड वन मोर थिंग भाई, आप लोगों को वीडियो क्वालिटी कैसी लग रही है ये भी आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं ओप्पो से। ओप्पो के 3 स्मार्टफोन है जिनके ऊपर प्राइस कट आया है। सबसे पहले तो भाई ओप्पो का बजट स्मार्टफोन है ओप्पो A18। ये फोन पाकिस्तानी मार्केट में 4 GB रैम 128 GB रोम वाले वेरियंट के साथ लॉन्च किया गया था। पहले इस फोन की प्राइस 33,000 रुपीज थी, इसके ऊपर भाई 5,000 रुपए का प्राइस कट आया है। अब ये स्मार्टफोन आप लोगों को 28,000 रुपीज की इनवॉइस प्राइस के साथ ऑफलाइन मार्केट से मिल जाएगा, लेकिन जब आप लोग इस फोन को मार्केट में परचेज करने जाओगे तो वहां पर आप लोगों को मजीद डिस्काउंट मिलेगा, लाइक 26,000-27,000 रुपए में आप लोगों को ये फोन इजिली मिल जाएगा। नेक्स्ट ओप्पो का A58 आता है। इस फोन को पाकिस्तानी मार्केट में जब लॉन्च किया गया था 8 GB रैम 128 GB रोम वाले वेरियंट के साथ, तब स्मार्टफोन की प्राइस 58,000 रुपीज रखी गई थी। इसके ऊपर प्राइस कट लगा, अब अगेन इसके ऊपर प्राइस कट लगा है। पहले ये फोन 49,000 रुपीस की प्राइस में मिल रहा था, लेकिन अब इसके ऊपर 5,000 रुपीस का मजीद प्राइस कट लगा है और ये फोन आप लोगों को अब इनवॉइस प्राइस 44,000 रुपीस की प्राइस में मिल जाता है। मार्केट में आप लोगों को डेफिनेटली मजीद डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप लोग इस फोन को परचेज करते हैं तो। इसके बाद भाई ओप्पो का थर्ड एंड लास्ट फोन है ओप्पो A78। अब इस फोन को जब पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया गया था 8 GB रैम 256 GB रोम वाले वेरियंट के साथ, तब स्मार्टफोन की प्राइस 72,000 या फिर आई थिंक 71,000 रुपीज थी, लेकिन इसके ऊपर एक बार प्राइस कट ऑलरेडी लग चुका है और ये फोन आप लोग को 65,000 रुपीज की इनवॉइस प्राइस के ऊपर मिल रहा था। मार्केट में आप लोग को डेफिनेटली डिस्काउंट भी मिल जाता था, लेकिन अब इसके ऊपर अगेन प्राइस कट लगा है। अब ये स्मार्टफोन आप लोग को 56,000 रुपीज की इनवॉइस प्राइस के ऊपर मिलेगा, मार्केट में आप लोग को मजीद डिस्काउंट भी मिल जाएगा, यानी कि इसके ऊपर तकरीबन 9,000 रुपए का प्राइस कट लगा है जो कि काफी ज्यादा बड़ा प्राइस कट है। आप लोग डेफिनेटली इस फोन को कंसिडर कर सकते हैं अगर आप लोग ओप्पो का फोन लेना चाहते हैं तो। नेक्स्ट अगर मैं वीवो की बात करूं तो भाई वीवो के भी 3 स्मार्टफोन है जिनके ऊपर रिसेंटली प्राइस कट लगा है। सबसे पहले तो भाई वीवो का V35G है जिसको पाकिस्तानी मार्केट में 12 GB रैम 256 GB रोम वाले वेरिएंट के साथ 1,40,000 की प्राइस में लॉन्च किया गया था। मार्केट में डिस्काउंट के बाद 1,25,000 के ऊपर इजीली मिल जाता था डिस्काउंट के बाद, लेकिन इसके ऊपर प्राइस कट लगा है तकरीबन 17,000 रुपए का। अब ये स्मार्टफोन आप लोग को 1,23,000 की इनवॉइस प्राइस के ऊपर मिल जाता है। मार्केट में डिस्काउंट के बाद जब आप लोग इस फोन को परचेज करेंगे तो भाई डिस्काउंट के बाद आप लोगों को 1,10,000-12,000-15,000 के बीच में आप लोगों को इजीली मिल जाएगा और ये इस प्राइस रेंज के अंदर काफी ज्यादा तगड़ी डिवाइस है। आप लोग डेफिनेटली इस फोन को कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं वीवो के दूसरे फोन की बात करूं तो भाई ये है वीवो V29e। अब ये फोन पाकिस्तानी मार्केट में 8 GB रैम 256 GB रोम वाले वेरियंट के साथ 1,00,000 की प्राइस में लॉन्च किया गया था। इसके ऊपर 2 बारी प्राइस कट लग चुका है। सबसे पहले तो भाई जब ओप्पो ने ओप्पो रेनो 11F को पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया था तकरीबन 80,000 की प्राइस में, तब इसके ऊपर 10,000 रुपए का प्राइस कट लगा था। 1 से 2 वीक के बाद इसके ऊपर प्राइस कट लगा था और ये हो गया था 90,000 रुपीज का। मार्केट में डिस्काउंट के बाद 80,000-81,000 इतने का भाई जहां दिल कर रहा था भाई मार्केट वालों का वहां पर सेल कर रहे थे, लेकिन इसके ऊपर अब अगेन 10,000 रुपए का मजीद प्राइस कट लगा है और ये अब आप लोगों को 80,000 रुपीज की प्राइस में इजीली मिल जाता है। मार्केट में जब आप लोग इस फोन को परचेज करोगे तो भाई वहां पर आप लोगों को डेफिनेटली डिस्काउंट मिल जाएगा, लाइक ये फोन आप लोगों को 70,000-72,000-73,000 रुपए में इजीली मिल जाएगा। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि इसको परचेज करने के बजाय आप लोग वीवो V30e को परचेज कर सकते हैं। इसके बाद जो वीवो का तीसरा स्मार्टफोन है ये है वीवो Y27s। इस फोन को पाकिस्तानी मार्केट में 8 GB रैम 128 GB रोम वाले वेरिएंट के साथ लॉन्च किया गया था।
काफी ज़रा महंगा लॉन्च किया गया था, लेकिन इसके ऊपर बार बार प्राइस कट लगे हैं। अब फिर अगेन इसके ऊपर प्राइस कट लगा है। पहले ये फोन पाकिस्तानी मार्केट में 47,000 की प्राइस में मिल रहा था, इसके ऊपर 2,000 रुपए का प्राइस कट लगा है। अब ये स्मार्टफोन आप लोगों को ऑफलाइन मार्केट में 45,000 की इनवाइस प्राइस के ऊपर मिल जाएगा। मार्केट में आप लोगों को डेफिनेटली डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसके बाद भाई इन्फिनिक्स के एक स्मार्टफोन आता है, इन्फिनिक्स का हॉट 40 प्रो। ये फोन पाकिस्तानी मार्केट में 8GB रैम 256GB रोम वाले वेरियंट के साथ तकरीबन 45 से 46 हजार की प्राइस में लॉन्च किया गया था। अब इसके ऊपर 3,000 रुपए का प्राइस कट लगा है और ये फोन आप लोगों को 43,000 की इनवाइस प्राइस के ऊपर मिल जाएगा। मार्केट में आप लोगों को डेफिनेटली डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो भाई ये तो था हॉट 40 प्रो के ऊपर प्राइस कट, और मुझे उम्मीद है कि भाई इन्फिनिक्स की जो नोट 40 सीरीज है इसके ऊपर भी प्राइस कट लगेगा। लेट्स सी कब तक लगता है, जब तक इनकी नई सीरीज नहीं आती तब तक भाई प्राइस कट की कोई उम्मीद ना रखो। वैसे हाँ, कोई 5,000-7,000 का प्राइस कट लग सकता है, मे बी। ये मैं कंफर्म नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक्सपीरियंस के थ्रू बोल रहा हूँ कि मुझे उम्मीद है कि भाई इन्फिनिक्स की नोट 40 सीरीज के ऊपर प्राइस कट आएगा। इसके बाद भाई लास्ट ब्रांड की बात करता हूँ, तो भाई ये है सैमसंग। सैमसंग ने अपने A05 के तीनों वेरियंट के ऊपर प्राइस कट लगाया है। सबसे पहले तो भाई 4GB रैम 64GB रोम वाला वेरिएंट है। ये फोन आप लोगों को 28,700 की प्राइस में, यानी कि इनवाइस प्राइस के ऊपर मिल रहा था, मार्केट में डिस्काउंट वगैरह मिल जाता था, लेकिन इसके ऊपर प्राइस कट आया है। अब ये स्मार्टफोन आप लोगों को 24,000 के इनवाइस प्राइस के ऊपर इजीली मिल जाता है। और मैं ये समझता हूं कि सैमसंग गैलेक्सी A05 का 4GB रैम 64GB रोम वाला वेरियंट जिस प्राइस रेंज के अंदर आप लोग को मिल रहा है, 24,000 की इनवाइस प्राइस है, मार्केट में आप लोगों को मजीद डिस्काउंट भी मिल जाएगा। भाई ये सुपर वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, आप लोग आंखें बंद करके कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद भाई जो अगला वेरिएंट है ये है 4GB 128GB, जो कि पहले पाकिस्तानी मार्केट में 32,800 की इनवाइस प्राइस के ऊपर मिल रहा था, इसके ऊपर भी प्राइस कट आया है। अब ये स्मार्टफोन आप लोग को 28,000 की इनवाइस प्राइस के ऊपर मिल जाएगा। ये थोड़ा सा मुझे ओवर प्राइस लगा है। और इसके बाद जो 6GB 128GB वाला वेरियंट है ये मुझे काफी ज्यादा ओवर प्राइस लगा है। पहले ये फोन 36,600 की प्राइस में मिल रहा था, अब ये स्मार्टफोन आप लोग को 6GB 128GB वाले वेरिएंट के साथ तकरीबन 32,000 की प्राइस में मिल रहा है, जो कि ओवर प्राइस है। इसमें जो 4GB और 64GB वाला वेरिएंट है ये मुझे वैल्यू फॉर मनी लगा है, लेकिन जो 4GB 128GB है इसकी भी थोड़ी सी प्राइस अभी ज्यादा है, और जो 6GB 128GB वाला वेरियंट है उसकी भी अभी प्राइस ज्यादा है। इनके ऊपर मजीद प्राइस कट आना चाहिए, आप लोग क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फर्दर आप लोग का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट में आप लोगों को रिप्लाई नहीं मिलता तो काइंडली भाई इंस्टाग्राम पे आके फॉलो करके वहां पर मैसेज कर ले, मैं आप लोगों को 100% रिप्लाई करूंगा। सो उम्मीद करता हूं गाइस आज की वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो भाई वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एक अच्छा सा कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए भाई को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।